एमपी के कृषि मंत्री कमल पटेल ने जन आशीर्वाद यात्रा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। पटेल ने कहा कि अब चुनाव देशभक्तों और टुकड़े टुकड़े गैंग के बीच में होना है। जन आशीर्वाद यात्रा में कृषि मंत्री कमल पटेल ने बैतूल में जनसभा संबोधित करते हुए कांग्रेस पार्टी और कमलनाथ पर तीखे हमले किए। कृषि मंत्री कमल पटेल ने कहा, आजादी के बाद जिनके हाथों में सत्ता थी वे अच्छे नहीं थे, लेकिन अब जनता ने नरेंद्र मोदी जैसा प्रधानमंत्री दिया जिसने हम सब का भविष्य बदलकर देश का मान सम्मान बढ़ाया है। उन्होंने कहा, इस बार का चुनाव किसी राजनीतिक दल का नहीं, बल्कि यह चुनाव देशभक्त बनाम टुकड़ा टुकड़ा गैंग के बीच है। यह चुनाव विकास बनाम विनाश के बीच है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल, ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन एमपी टू बी एनआईआरएफ रैंक फॉर 5 कंसेक्यूटिव इयर्स, जहां है 600 से ज्यादा कंपनी टाइप्स फॉर प्लेसमेंट्स, अटल इंक्यूबेशन सेंटर फॉर नर्चरिंग स्टार्टअप्स, इंडस्ट्री एकेडमिया कोलैबोरेशन फॉर एक्सपोजर ऑफ रियल इंडस्ट्री वर्ल्ड, 20 सेंटर्स ऑफ एक्सलेंस फॉर रिसर्च, साथ ही ग्लोबल फेस्टिवल विश्व रंग में शामिल होने का अवसर देता है। रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी, अनलॉकिंग potential. आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।